कबाब के साथ भले ही पराठा होता हो, लेकिन जो गोभी भर के, आलू भर के, पनीर भर के बनाया जाता है, वो पराठा नहीं होता, वो होता है परौठा। ठीक है जी। तो जी नमस्कार, मैं हूँ परौठा, नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार। और आज पंजाबियत अपनी निकाल देते हैं, परौठे बनाते हैं। आज कबाब पराठा डे नहीं है, आज गोभी दा परौठा डे है। ठीक है जी, ले आओ गोभी फिर। तो जी गोभी का पराठा बनाने के लिए आपको चाहिए गोभी, तो गोभी की छुरी से मुलाकात कराएं और गोभी को डंठल से जुदा कर दें। बस ये मिलना बिछड़ना ही तो जिंदगी है। नाइफ से मिली और डंठल से बिछड़ गई गोभी। इतना फिलोसफिकल होने की जरूरत नहीं है रणवीर, तो परौठा ही बना रहा है। तो जी गोभी ली, गोभी को कर दिया कद्दूकश या ग्रेट। कद्दू तो वैसे भी ग्रेट होता ही है। डंठल भी साथ में कद्दू, कद्दूकश, कद्दू ग्रेट ही अटक गया मेरे दिमाग में। डंठल भी साथ में कद्दूकश कर दीजिए साहब। अगर आप मूली के पराठे बना रहे होते, उसको ऐसे ही ग्रेट कर लेते, उसके अंदर आप मूली के पत्ते भी चॉप करके डाल सकते थे। और नमक को ऐसे गोभी में मिक्स कर लेना अच्छे से। जिधर पानी ज़्यादा होता है, उधर से पानी नमक की तरफ आता है, तो नमक जो है गोभी से पानी खींचेगा, उसके बाद गोभी में स्ट्रक्चर आएगा, फ्लेवर आएगा, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, पराठा फटेगा नहीं, अंदर जो है वो गोभी उबलेगी नहीं पराठे के अंदर, एक टेक्स्चर बना रहेगा गोभी में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली अगर अच्छा पराठा खाना है तो पहले थोड़ा सा घी आपका ये जो पराठा है ना उसमें हल्का सा खस्तापन आएगा, चूई नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा डोई नहीं बनेगा। और बाद में थोड़ा सा जो तेल है उससे उसके अंदर सॉफ्टनेस और लचीलापन आएगा। डो जो है वो न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा ढीला, देखिए थोड़ा सा ढीला होगा तो फिर भी चल जाएगा, ज़्यादा टाइट होगा ना तो पराठे के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पराठे के डो में लचीलापन बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, चीट करने के लिए पराठे के डो में 10% मैदा डाल लेते हैं, उससे वो लचीलापन आ जाता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, आटा गूंथते समय उसको नॉक करते हैं, उसको मुक्के मारते हैं ऐसे, और रेशे को खपाते हैं ऐसे पानी में, ऐसे गुस्सा निकालिए सारा और फोर आर्म्स बनाइए अपने। आटा गूंदना और गाय का दूध निकालना, दो बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं फोरम बनाने के लिए। अब इसके अंदर क्या डालना है, पहले तेल फिर घी। ठीक है, तो तेल पहले डाल दिया, अब घी डाल रहे हैं। नहीं मतलब देखना पड़ता है ना कि जाग रहे हैं कि सो गए सारे। पहले घी फिर तेल, घी पहले डाल दिया, अब तेल डाल रहे हैं। घी डालने से हल्का सा एक खस्तापन आया, और अब जो है तेल डालने से उसके अंदर नरमी आएगी, यानी कि वो भटूरे का लचीलेपन जैसी वाइब आएगी। आप पहले तेल बाद में तेल भी डाल सकते हैं, अगर आप रणवीर के दोस्त नहीं हैं और आप धनिया और घी में बिलीव नहीं करते तो कोई बात नहीं। एक्चुअली सिंपल डिश बनाने में मज़ा आता है, क्योंकि क्या है ना, मेरे को टाइम मिल जाता है आपके साथ रुक के छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करने का। बड़ी डिश जो है वो उसमें हम बनाते बनाते वक्त निकल जाता है। उससे पहले गोभी की सिचुएशन देख लेते हैं। पानी छोड़ रही है गोभी, पानी निकाल लेते हैं। अब पानी हमने क्यों निकाला, पानी हमने इसलिए निकाला क्योंकि पानी अगर इसके अंदर रह जाता तो वही पानी पराठे की गर्मी से भाप बनता और गोभी जो है वो पक के पिलपिली हो जाती, वेट एंड मॉइस्ट हो जाती वो गोभी, फिर वो आपका आटा ख़राब करती और आपको पराठे में फिलिंग का टेक्स्चर नहीं आता। तीन चीज़ें जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पंजाबी खाने का तिकोना फाउंडेशन है, अर्थात हरी मिर्च, अदरक और धनिया। जिसने इन तीनों के साथ हंसते खेलते बैलेंस सीख लिया, उसने पंजाबी खाने की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व कर ली।
देखो जी, हमारे यहाँ जो भी परौठा बनता है वो चाहे आलू का हो, गोभी का हो, पनीर का हो, मूली का हो, सबसे पहले वो धनिया का परौठा होता है। अब क्या रह गया? असली पराठे का मसाला, जो कि आप बना के रख लें और उसके बाद जितने दिन मर्जी चलाएं, 2 महीने तक तो चलाएं, उसके लिए आपको चाहिए धनिया, जीरा और 2-3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट। हरी मिर्च का मजा है, पराठे की फिलिंग में लाल मिर्च डालने का फायदा है नहीं। जो खेल है ना, वो यहाँ पर खेल है जीरे का और काली मिर्च का। जीरे और काली मिर्च से दूसरा ये फायदा होता है कि डाइजेशन में हेल्प करती है ना। तो एक तरफ अजवाइन है डो के अंदर जो डाइजेशन में हेल्प कर रही है। सुबह सुबह हालांकि आप हैवी चीज़ खा रहे हो, लेकिन डाइजेस्ट होना इजी हो जाता है उसका। अभी देखिए क्या है ना, आपने डो को रेस्ट किया, फिर आपने डो के पेड़े काटे। पेड़े काटने के बाद पेड़ों को भी रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितना डो ढलेगा उतना आपका फायदा होगा, यानी कि डो की ढलाई में ही आपकी भलाई है। ठीक है जी, साइड से डो को पतला कर लीजिए और ऊपर से ऐसे कप बना लीजिए। कप बना के भरने में कंजूसी मत करिए और फिलिंग को ऐसे नीचे दबाइए। देख रहे हैं आप, फिलिंग को पुश करिए नीचे। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, ऐसे कप बनाइए। कप बनाने के बाद डो को बैठाइए, उसके बाद ऐसे बिल्कुल पतला सा उसको सील कर दीजिए, फिर उसको साइड्स में ऐसे जोड़ दीजिए और जो एक्स्ट्रा चोंच है उसको निकाल दीजिए और उसका डो बना के उसको रख लीजिए। ये तो है जी 2 परौठियाँ। अब बनाते हैं परौठा, यानी कि पराठा बनाने का सबसे आसान तरीका, एक्चुअल परौठा। उसके लिए डो को थोड़ा छोटा करते हैं, जितना भी गोलाकार में बेल सकते हैं आप बेल लीजिए। अगर 100% गोलाकार में नहीं बिल रहा है तो नो प्रॉब्लम। ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम पता है, गोल रोटी बनानी जो है ना बड़ी मुश्किल लगती है मेरे को। अब देखिए, मैं इसमें कोई सूखा आटा मैदा नहीं लगा रहा हूँ। अगर आपका डो अच्छा गूंदा हुआ है, डो के अंदर लचीलापन भी है और हल्का सा फैट भी है जो उसको चिपकने नहीं देगा, तो आपको सूखे आटे मैदे की ज़रूरत नहीं है इतनी। डन है? देखिए, सिंपलेस्ट तरीका है ये पराठा बनाने का, कोई भी बना सकता है बैचलरहुड का पराठा। हॉस्टल में इम्प्रेस करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, पतिदेव को, बीवी को, इसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए। 2 रोटियां बेलें, चाहे गोल हो या ना हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिलिंग को ऐसे फैला लें, उसके बाद दूसरा पराठा लें और उसको ऐसे बैठा दें। अगर आपको लग रहा है हवा भर गई है तो ऐसे होल करें, ये हवा निकाल दें। तो वो तो हमने बनी थी परौठियाँ, और ये बनाया जी पंजाबी परौठा। ये आप 2 खाएंगे और उसके बाद अगर आप ये बोलेंगे कि यार भूख सी लगी है, तब आप क्वालिफाई होंगे ट्रू पंजाबी बैच के लिए। साथ में आपको थोड़ा मक्खन और लस्सी का भी थोड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा ना, मतलब है? ये लो जी, ठीक है। ये है जी परौठा, और ये जो 2 परौठियाँ हमारी साइड में पड़ी हुई उनका प्रोग्राम भी करते हैं। पहले सेक लेते हैं इसको। ये वाला जो है ना, देखो कितना सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना। 2 रोटियाँ बेलनी है, एक के ऊपर एक बैठानी है, बीच में फिलिंग डाल देनी है ठोक के, एक बार में सारी फिलिंग ख़त्म कर देनी है। उसके बाद बोलना है वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट। देखिए, अच्छा पराठा सेकने के लिए आपको चाहिए अच्छा घी, और पराठे को ना ऐसे राड़ना पड़ता है, पंजाबी में कहते हैं राड़ना, मतलब उसको ऐसे तवे पे
चलाएंगे नहीं ना घी के अंदर, तो उस पर क्रस्ट नहीं बनेगी। क्रस्ट नहीं बनेगी तो फिर अंदर की फीलिंग का मजा नहीं आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कुकिंग इज अबाउट कॉन्ट्रास्ट, राइट? बाहर की क्रिस्पीनेस और अंदर की फीलिंग, उसमें जिसने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर लिया उसने अच्छा पराठा बना लिया। कौन कहता है घी ज़्यादा डाला? देखो कहीं लग रहा है घी? परोठा बड़ा अच्छा है पर क्यों काट क्यों पाया है? हैं? मतलब पराठा बहुत अच्छा है लेकिन घी क्यों कम डाला है? बस पंजाबी घर की एवरी मॉर्निंग सेम स्टोरी। अच्छा दूसरी चीज क्या है, जो पहले वाला परोठा आपने बनाया था ना, उसमें ऐसा नहीं है कि साइड में बॉर्डर छोड़ना है और पानी लगाना है। नहीं लगाना मत लगाइए, एकदम एज टू एज फिलिंग भी कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर चिपके होने चाहिए, कोई ऐसा नियम है। ये मेरे फेवरेट टाइप का परोठा है अगर अच्छे से भरना आ जाए तो। क्या है ना, दो बार रोटी बेलनी नहीं पड़ती, एक बार में बेल के काम खत्म हो जाता है। यही होता है जी बेबी परोठा, परोठी आइए। जब मम्मी बोलेंगे आज क्या खाएगा नाश्ते में, आप बोलो परोठी, तो ये मिलता है, ठीक है? या फिर आप बोलो हो और मत दो और मत दो, तो मम्मी बोलती हैं परोठी तो है ये छोटी सी, खा ले एक, ये वो वाला साइज है। मीडियम साइज बताओ। मतलब परोठे और पराठे में मतलब फर्क समझिए, ये परोठी है ये परोठा है, हैं? अगर आप ये दो खा के बोलेंगे थोड़ी लस्सी और मिल जाती तो मतलब पेट भर जाता तो आप मेरी टीम में। और अगर आपकी मम्मी आपको ये खिला के बोलती है छोटी सी परोठी तो है, तो फिर आप मेरी मम्मी की टीम में। तो मैंने आपको एक इंस्टेंट अचार दिखाया था पनीर के पराठे बनाते वक्त, इसलिए आपको अब इंस्टेंट अचार नहीं दिखा रहा हूँ, एक बहुत मज़े की चीज़ दिखा रहा हूँ। पहले हमारे घर में बनता था जब हमारे यहाँ कुंडा कोटना बहुत यूज होता था, अब नहीं बनता इतना। सॉफ्ट कर लीजिएगा बटर को, थोड़ा इजी हो जाएगा काम। आ रहा है लालच? इमेजिन करिए बटर पिघलेगा, पराठे के अंदर मिर्ची धनिया जिंजर का फ्लेवर जाएगा, फिर आप ऊपर से लपेटेंगे उसको और एकदम चटनी की तरह ऊपर खाएंगे, बटर जो है ऐसे हाथों से ऐसे 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 करके बहेगा। करिए इमेजिन, ऐसे कामों में बहुत तेज हम, लालच दिलवाने में बहुत तेज हम। सुबह सुबह नाश्ते में दही अचार मक्खन, और मक्खन जो ये है कुंडे कोटने वाला मक्खन, साथ में प्याज साथ में परोंठे, ऐसे चार पांच। अब आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने ये बता दिया कि बनाने कैसे हैं, रणवीर ने ये भी बता दिया कि खाने कैसे हैं, और रणवीर ने ये भी बता दिया कि खाने कितने हैं। अब तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि रणवीर आपने बताया नहीं। आज हमने परोठे पे कांदा नहीं रखा है, प्याज रखा है, प्याज, क्योंकि आज हमने पराठा नहीं परोठा बनाया है। ओए होए होए, इमेजिन करिए मक्खन भी इसी में, चटनी भी इसी में, परोठा भी इसी में। अगर मम्मा होती ना बड़ी खुश होती। मैं आपकी मम्मा तो नहीं हूँ लेकिन आपको ये परोठा खाते हुए देख के बड़ा खुश होऊंगा, इसलिए बनाइए। साथ में ये मक्खन भी बनाइएगा स्पाइसी वाला, क्योंकि उसके बगैर ये कहानी अधूरी है। जैसा मैंने कहा था कि जब आप खाएंगे तो मक्खन यहाँ से ड्रिप होगा, है? तब आपको लगेगा कि आपने कुछ कमा के खाया।